तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, फ्रैंकलिन के पीछे एक क्रस्ट कार पीछे पड़ जाती है जो कि वो उसकी खुद की होती है, और जहाँ भी वो जाता है उसके पीछे पीछे जाती है, उसको टक्कर मारती है, उसके ऊपर चढ़ती है, उसको अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन उसको उठने नहीं देती, दूसरी गाड़ी भी जाने नहीं देती, दूसरी गाड़ी बैठने नहीं देती है। लेकिन फ्रैंकलिन उससे बचने के लिए बहुत कुछ करता है लेकिन बच नहीं पाता है। फाइनली वो एक रास्ता निकालता है, क्यों ना इस पानी को गाड़ी के अंदर फेंक दूँ ताकि उससे छुटकारा मिल जाए। तो वो उस का प्लान करता है और उसको पानी के अंदर धकेल देता है, और फिर गाड़ी जो है वो पानी के अंदर रह जाती है। लेकिन देखते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर क्या उसको छुटकारा उस गाड़ी से मिल पाया, उसने भाई उसको छुटकारा मिला कि नहीं मिला, आज की इस वीडियो में पता पड़ेगा। कि आज की इस वीडियो में फ्रैंकलिन अगर वो क्रस्ट कार उसके पीछे पड़ती है तो भाई कैसे उससे वो पीछा छुड़ाएगा। तो देखते हैं इसकी वीडियो में, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चलो चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस फाइनली हमने कल रात को कह सकते हो, कल रात को उस क्रस्ट कार से छुटकारा मिल गया हमको। मतलब हमने भाई उससे मुक्ति पा ली, क्योंकि यार उस कार ने इतना हमको परेशान किया, इतना सताया, इतना मेरे पीछे पड़ी, मेरी हड्डी 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 उसने तोड़ दी, खून सब कुछ लथपथ, इतना परेशान हुआ कि मैं क्या बताऊँ आपको। फाइनली मैं उससे बिल्कुल चैन की नींद सोया हूँ रात को, और इस घर के अंदर एक नई जगह के अंदर आए हुए हैं जहाँ पर क्रस्ट कार किसी भी तरीके से नहीं आ सकती, क्योंकि जो ये लॉक है वो भाई पासकोड लॉक है, इसको कोई खोल नहीं सकता है। तो यहाँ पर हमें ये घोड़ा भी है जैसा कि देख पा रहे हो इस वीडियो के अंदर, भाई शिनचैन भी हमारे साथ आ चुका है। हाँ भाई शिनचैन, कैसे हो भाई तुम? नींद वींद कैसी आई? कितने दिन, इतने दिन कहाँ थे तुम? क्या बात है, कहीं मिली? अरे भैया मैं तो आपके साथ था। अरे कहाँ साथ थे, तुम तो रहते नहीं, दिखते नहीं भाई, लोग तुमको मिस कर रहे हैं, वीडियो के अंदर कहाँ थे? अरे हाँ छुट्टी पे गया था भैया, एग्जाम चले थे। ओह एग्जाम चलते हैं तुम्हारे? तो चलो गाइस आज हम चलेंगे बाहर, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने को कुछ भी नहीं है भाई। पूरी रात बिना खाए सोया हूँ, पूरी रात तो क्या मतलब, रात को कुछ नहीं खाया मैं। जैसे ही आया भाई किसी भी तरीके से ये घर ढूंढा, रात को आधी रात को भाई किसी भी तरीके से यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पर चैन की नींद सोया हूँ। जैसे पिछली रात को जो सोया था तब मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी, क्योंकि वो गाड़ी मेरी आंखों के सामने। शिनचैन चल बेटा मेरे, जैसे सोने दे। मैं क्या सोऊंगा, चल सोना तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। चलो भाई मैं तो गिर रहा हूँ, यहाँ तो कुछ अजभंजस है यार, कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी एक छोटी सी दुनिया के अंदर अपन कैद हो गए। क्योंकि तू शिनचैन इसके बीच में कैसे चला गया यार, तू बाहर तो निकल। अरे भैया मुझे निकालो, मैं फंस चुका हूँ भैया मुझे निकालो। अरे तो मैं कहा तुझे निकल, कैसे निकालूंगा, तू निकल बाहर। अरे भैया मुझे निकालो, कहाँ जा रहे हैं आप? गाइस शिनचैन तो देखो सुबह उठते ही मजाक कर रहा है, लेकिन अपन मजाक के मूड में नहीं है, ये घर हमारे साथ मजाक कर रहा है। गाइस देख सकते हो भाई ये बिल्कुल आर पार जा रहा हूँ, मैं कहीं मर गया हूँ, आत्मा तो नहीं बन गया हूँ? कि यहाँ हम दोनों आत्मा बन गए भाई, जहाँ भी हम जा रहे हैं भाई बिल्कुल आर पार होके जा रहे हैं, कोई चीज़ हमको टच नहीं कर रही है, हम किसी को टच नहीं कर पा रहे। कुछ तो गड़बड़ है घर में बाबू भैया, कुछ तो गड़बड़ है, निकलो इस घर से, चलो यहाँ से चलते हैं, और सबसे पहले करेंगे नाश्ता पास्ता, जो भी हमको करना है करेंगे, क्योंकि ये घर जो है बिल्कुल ही भाई समझ से बिल्कुल बाहर है। तो फाइनली हम घर पे आ चुके हैं भाई, तो अपने सर को बोलना कि हम जा रहे हैं, यहाँ पे खाने को कुछ है नहीं, तुम पता नहीं कैसे रहते हो, हम यहाँ पे घर बिल्कुल अजीबो गरीब है तुम्हारा, हम जा रहे हैं भाई, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। शिनचैन तुझे रहना है? नहीं भैया मुझे नहीं रहना, मैं तो अभी फंस गया था, मैं तेरे कैसे निकलाऊँ, चला जा फटाफट से चलते हैं। गाइस कार में चलते हैं, यहाँ से निकलते, क्योंकि अगर क्रस्ट कार यहाँ पे आ गई गाइस तो भाई फिर से वो मुझे कार में नहीं बैठे देंगे कल, क्योंकि जितनी बार मैं कार में बैठे की मैंने कोशिश की उतनी बार उस कार ने मेरी हालत बिगाड़ दी। तो यहाँ से अपन निकलते हैं और सीधा चलते हैं। भाई क्या खाएगा, पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा, की खाएगा तू? मैं तो भैया पिज्जा खाऊंगा, पिज्जा पिज्जा खाऊंगा, पिज्जा नहीं खाया मैं, फास्ट फूड बहुत खाता है, खा खा के टुनटुना हो गया तू। देख तेरी हाइट तो बढ़ती रही लेकिन तेरा मोटापा बहुत बढ़ रहा है, इतना मत खाया कर, पिज्जा खाएगा तेरे लीवर फैटी हो जाएगा, और लीवर फैटी हो जाएगा तो पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर पास जाएगा तो तेरी गाड़ी हमारी पीछे पड़ गई है। अब तो भाई यहाँ से फटाफट से निकलना पड़ेगा, और जल्दी से निकलते क्योंकि ये गाड़ी भाई 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 ओ भाई गाय आग लग गई है, आग लगाकर इसने मेरी गाड़ी की राख लगा दी। भाई निकलो फटाफट, अब ये वापस गाड़ी मेरे पीछे पड़ गई है, देख सकते हो उसकी गाड़ी में पूरी तरह से आग लगी है, मेरी गाड़ी भी आग लगी और मेरी गाड़ी ब्लास्ट हो चुकी है। अब ये गाड़ी मुझे नहीं छोड़ने वाली, गाड़ी बिल्कुल चल नहीं रही है, ब्रेक्स ब्रेक सब कुछ फेल, इंजन फेल, शिनचैन भी गायब हो गया कार से, पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन मैं अकेले इस कार के अंदर कैद हो चुका हूँ।
और ये गाड़ी मुझे धक्का दे रही है, मुझे यहाँ से निकलने दे रही, मेरी गाड़ी चल ही नहीं सकती, अब तो पूरा पूरा ब्रेक सब कुछ फेल, गाड़ी से बाहर निकल चुका हूँ, लेकिन देखो मेरे ऊपर भाई मैं जल जाऊँगा कल की तरह, ये बिल्कुल सेम नखरे कर रही है, इस गाड़ी से मैं कैसे मैं यहाँ निस निकलूँ। गाइस कमेंट करके मुझे सजेस्ट करो कैसे इस कार से हम यहाँ भाई छुटकारा पाए, छुटकारा क्या बोल सकते हैं उसको भाई, इससे कैसे यहाँ से निकले, क्योंकि ये गाड़ी जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे पीछे आ जाती है, कैसे इस गाड़ी को पूरी रीति से ख़त्म किया जाए। गाइस कमेंट करके मुझे बताओ, सजेस्ट करो जल्दी से फटाफट से अभी के अभी कमेंट करो, ताकि नेक्स्ट जो पार्ट इसका आएगा ही आएगा उसमें हम इसको जो आप बोलोगे वही इसी के साथ करेंगे हम। तो गाइस इस गाड़ी से मुझे नहीं लगता आज फिर ये भाई पुलिस की गाड़ी, पुलिस ने देखा उसके बाद भी पुलिस ने गाड़ी को नहीं रोका और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के गया। अब किस तरीके से कैसे मैं इस गाड़ी से पीछा चढ़ाऊँ, क्योंकि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ मेरे को गाड़ी में बैठने दे रही, खड़े नहीं होने दे रही है, जैसे ही खड़ा होता हूँ मुझे अपनी गाड़ी के नीचे ले लेती है, कभी ऊपर ले लेती है, कभी मेरे को बस मेरे को ऐसा नीचे दबा देती है कि मैं क्या बताऊं आपको, कुछ बता नहीं सकता हूं। गाइस इस गाड़ी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। ओ भाई मुझे पटक के दे मारा, टूट गई मेरी टांगे, टूट गई मेरी हड्डियां, कल तो टूटी थी, 206 हड्डियां जुड़वा के लेके आया हूं अभी पूरी रात बैठकर, और भाई चलो फटाफट से। अरे यार इसने पूरा काम बिगाड़ दिया, वो मेरे पीछे वापस आ गई। यार इतना अच्छा मौका मिला था गाड़ी में बैठने का, लेकिन ये जो रोड पे चल रहे हैं किसी तरीके से अच्छी तरीके से नहीं चल रहे, देखकर नहीं चला रहे और मुझे यहाँ से निकलने नहीं दे रहे। अब किसी भी तरीके से मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये मुझे छोड़ेगी नहीं, मैं किसी भी तरीके से यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि इस गाड़ी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, कोई मेरा यार दोस्त नहीं आ रहा है। तो फाइनली मैं इस गाड़ी से पीछा छोड़ा चुका हूँ और मैं सीधा जा रहा हूँ आयरन मैन के पास, भाई स्टार मेंशन जा रहा हूँ, क्योंकि वही है जो अब स्टार मेंशन में कौन रहता है, आयरन मैन, थोर, स्पाइडरमैन, जितने भी लोग हैं ये एवेंजर्स हैं, वही मुझे इस कार से जो क्रस्ट कार से भाई पीछा छुड़ा सकते हैं, क्योंकि वही है जो इसको ख़त्म कर सकते हैं, उन्हीं के पास सुपर जो पावर होता है वो है, जो उन्हीं पावरों से मैं अब निकल सकता हूँ। क्या आयरन मैन का सूट अगर मुझे मिल गया तो सच कह रहा हूँ इसकी तो वाट लगा दूंगा और इसकी ऐसी धनिया करूँगा, धज्जिया उड़ाऊँगा कि ये सोच नहीं पाएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। गाइस हड़बड़ाहट में मैं गाड़ी भी ढंग से नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे बस किसी भी तरीके से एक बार स्टार मेंशन के अंदर पहुँचना है, क्योंकि उसकी गाड़ी में पहले चेंज करूँगा, इस गाड़ी का पता नहीं ढंग से चल रही है, बार बार टक्कर मारी है। तो भाई अपन लेंगे आयरन मैन का नाम क्या, टोनी स्टार की गाड़ी लेंगे, बहुत ही पावरफुल गाड़ी है, ज़बरदस्त कट मारती है, फ्लिप मारती है, चकाचक चलती है, वैसे हम भी फ्लिप मारेंगे, टक्कर टक्कर कट मारेंगे और यहाँ से अपन पहुँच के भाई फटाफट से अब चल दो सीधा उनको ढूंढता हूँ एवेंजर्स, क्या नाम है उसका, टोनी स्टार को, क्योंकि टोनी स्टार को भी हमारा काम करता है। टोनी स्टार, टोनी भैया, टोनी भैया कहाँ पर हो आप, टोनी भैया, टोनी भैया तो दिख नहीं रहे गाइस, ये टोनी टोनी ये जो एवेंजर्स है, जब भी मैं घर पे आता हूँ लिटरली आप मेरी जितनी भी मैंने एवेंजर्स के साथ वीडियो बनाई है ना, आप लिटरली देख लेना, जब भी मैं घर पे आता हूँ मुझे मिलते नहीं और इस सीढ़ियों में हमेशा गिरता हूँ, हमेशा हम देख लेना आप वीडियो, मेरी सारी वीडियो जो मैं एवेंजर्स के स्टार मेंशन के अंदर घर वीडियो बनाई है उन सारी वीडियो में गिराई हूँ, लेकिन ये ना तो नीचे है ना ऊपर है ना कमरे में है। चलो मुझे क्या करना है, मुझे तो किसी भी तरीके से कमरे में जाकर सो जाता हूँ, छुप जाता हूँ, क्योंकि ये तो प्यार यहाँ पर तो है ही नहीं सोने के लिए कुछ। चलो इस पास वाले यार, एक तो गेट जो है किसी अजीब तरीके का गेट बनाया इसने, हाँ ये है यहाँ पर, चलो मैं सो जाता हूँ फिर देखेंगे क्या करना है, अभी तो सो जाता हूँ। गाइस आपको आवाज़ आ रही, गाइस मेरे को आवाज़ आई, गाइस आपको आवाज़ देखो आवाज, और भाई कुछ गाड़ी वाड़ी है कोई है, कुछ है यहाँ पर, कुछ आवाज़ आ रही है मेरे को, गाइस इतनी सोने नहीं दे, जैसी आँख लगी थी अभी थोड़ी देर में लगता है गड़बड़ है, कुछ तो आवाज़ आ रही, कौन है क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आवाज़ आ रही, ऐसी आवाज़ तो गाड़ी की हो सकती है। चलो चेक करता हूँ दूसरे कमरे में जाकर, यहाँ से साफ नहीं दिख रहा है वो गाइस, गाड़ी है वही गाड़ी, देखो गाइस अभी मैं कह रहा हूँ अभी तो मैं सोया ही था, अब इस गाड़ी चाहे चेंज करूँ, जगह चेंज करूँ, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ मेरे पीछे पड़ जाती, ये जो आयरन एवेंजर्स की जो पड़े इतने सारे ये हथौड़े फथौड़े के लिए क्या बोलते हैं इसको, जो भी है ये किसी काम के नहीं है मेरे, लेकिन गाइस अब इससे छुटकारा मतलब पीछा कैसे छुड़ाऊँ, कैसे निकलूँ यहाँ से, मुझे किसी भी तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से नहीं निकला तो भाई यहीं फंसा रह जाऊँगा। चलो यहाँ देख भाई, अगर यहाँ आ गए तो भाई अंदर चलो, अगर यहाँ आ गई तो भाई फिर तो और फंस जाऊँगा। चलो यहाँ से निकलते हैं, अब मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना है, सीधा जाऊँगा, अब मेरी मदद जो कर सकता है वो कौन कर सकता है गाइस, सोचो सोचो कौन मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि आयरन मैन तो है नहीं, एवेंजर्स है नहीं, स्पाइडरमैन को इनको फ़ोन लगाऊँ तो ये मिल नहीं रहे, ये दिख नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन अब मुझे इस गाड़ी से अगर मेरा पीछा छुड़वाएगा तो वो है केवल मिलिट्री वाले ही मुझे इस गाड़ी से
छुड़ाएंगे, देखना इस गाड़ी से मुझे फ्री करवाएंगे, इस गाड़ी से मुझे बचवाएंगे, फेल मिलिट्री है, मुझे निकाल सकता है, गोल गोल घूम के चक्कर आने, निकलता हूँ यहाँ से बाहर, क्योंकि वहीं मुझे जाना है। अब सीधा पकड़ते हैं अपन ये पीछे वाला रास्ता, यहाँ से निकले, यहाँ से जाए। मुझे डर है अगर मैं यहाँ नीचे जो उतर गया वो मेरे पीछे आ जाएगी, क्योंकि यार भी मैंने देखा है ना, मैं कहीं पर भी जाता हूँ उड़ के आ जाती है। पता नहीं क्या है इस कार के अंदर, पता नहीं किस चीज़ की आत्मा घुस गई है, पता नहीं मछली की, पता नहीं कौवे की आत्मा घुस गई है, पता नहीं किस चीज़ की आत्मा घुस जाती है इन कारों के अंदर, और सीधा अटैक मेरी मेरे ऊपर ही करती है यार। चलो यहाँ से निकलते फटाफट से। गाइस गाड़ी तो मैंने ले ली है, जिस गाड़ी के अंदर वो आत्मा है, आत्मा क्या डायन है, डायन शैतान की आत्मा लगती है इसके अंदर भाई। चाहे गाड़ी चेंज करूँ, कुछ भी करूँ, जहाँ भी जाऊँ हर गाड़ी के अंदर घुस जाती है। अब मिलिट्री वाले हैं जो इसी प्रॉब्लम से हमको निकालेंगे, क्योंकि मिलिट्री वालों के पास बड़े बड़े हथियार है, टैंक है, मिसाइल्स है, वही हैं एरोप्लेन्स मिसाइल्स हैं, वही हैं जो उन्हीं से अपन निकलते। को भाई इस गाड़ी के अंदर अभी भी है, मुझे जाने नहीं दे रही। जब भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे टक्कर गा रही है गाड़ियों को, और वो आते जाते को रोक रही है गाड़ी। इसके अंदर भूत घुस गया है, लगता है यही गाड़ी क्रस्ट कार है, मेरे को यहाँ से जाने नहीं देगी। भाई लगभग अपन मिलिट्री बेस के एरिया में पहुँच चुके हैं, बस पहुँचने वाले, सीधा चलते हैं कर्नल साहब से मिलेंगे, कर्नल विजय राठौड़, उनसे मिलेंगे, विजय राठौड़ से मिलेंगे। और यहाँ पर अपन पहुँच चुके हैं, गार्ड कहाँ गया, गार्ड हाँ पूरा गार्ड, गार्ड इससे पूछते भाई कर्नल विजय राठौड़ कहाँ मिलेगा। भाई साहब सीधा जाके राइट लीजिए भैया। ओके चलो भाई, सीधा जाके राइट लेके आ गए हम। ओ भाई गेट वो रहा टावर, तो उस टावर के अंदर ही रहते भाई, अपन इधर को चलना है, अपन को यहाँ पे नहीं जाना। हाँ भाई अपन पहुँच चुके हैं अपनी जगह पर, सीधा चलते हैं अंदर भाई, अंदर ही मिलेंगे ना साहब को, बिल्कुल सर ऊपर जाइए। चलो भाई विजय राठौड़, कर्नल विजय राठौड़ के पास चल रहे। अरे यार इसकी लिफ्ट बहुत ख़राब है यार, जब भी लिफ्ट में जाता हूँ ये रास्ता सीढ़िया कहाँ चली गई, सीढ़िया दिख नहीं रही, ये तो लिफ्ट है, लिफ्ट में चलो एक बार बैठ के देखते हैं, अगर हम निकल गए तो अच्छी बात है, नहीं निकले देखो भाई कह रहा हूँ ना लिफ्ट तो ख़राब ही है, सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों में चलने में बहुत टाइम लगेगा। चलो यहाँ से चलते हैं। तो गाइस मैं ऊपर जाके आया लेकिन कर्नल साहब वहाँ पे नहीं थे, और सीधा वापस सीढ़ी चढ़ी है, 5 मंजिल ऊपर गया हूँ, 5 मंजिल वापस नीचे आऊँ, काफ़ी टाइम लग गया। तुम्हारे बॉस घूमते कहाँ रहते हैं, मैं ऊपर गया और वो नीचे गया। सर क्या सर, कितना घुमाओगे सर, कितना मुझे थकाओगे। और क्या वो फ्रैंकलिन बेटी, अरे मैं बेटी नहीं हूँ सर, मैं हूँ फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन सर, इस कार ये क्रस्ट कार मेरे पीछे पड़ चुकी है, बरखुदार मुझे कहीं भी जाता हूँ मुझे छोड़ती नहीं है, मेरे पीछे पड़ जाती है, मुझको मारती है, मुझको चोट पहुंचाती है, और मेरे बॉडी की ये 206 हड्डियों में से अब केवल साबुत 6 हड्डियां बची है, बाकी 200 की 200 हड्डियां इसने तोड़ दी है। मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, सो भी नहीं पा रहा हूँ, कुछ करिए कर्नल साहब, कुछ करिए विजय राठौड़ सिंह कर्नल साहब, कुछ करिए। ओ फ्रैंकलिन यारा तू तुसी फिक्र ना करो, अपने पास बड़े बड़े हथियार हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, एक मिसाइल में इसका चकनाचूर कर देंगे, नहीं तो लावा वाली मशीन है उसके अंदर डालेंगे, सीधा भट्टी में जाएगा और पिघल जाएगा लोहा, कछु ना होगा इस जानो, तुसी चिंता ना करो। सर वो तो ठीक है लेकिन करेंगे कैसे, तुम बस मेरे पीछे पीछे आ जाओ, वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर आपकी गाड़ियों की हम धज्जियाँ उड़ाएंगे। चलिए आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए। यार कर्नल साहब बहुत तेज आदमी है, देखो अभी यहाँ से निकले और वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन हमको देरी नहीं करनी है, जल्दी से जहाँ पर हमको बुलाया है वहाँ पर चलना है, और आज इस क्रिस्ट कार का खात्मा करना है, ताबड़तोड़ मतलब इसके कचुम्बर कचुम्बर काट काट के एक एक पीस हलाल कर देना है, भट्टी में डाल दूंगा, काट डालूंगा, चीर डालूंगा, और इसके आज इसका ख़त्म कर दूंगा। लेकिन उससे पहले कि गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ सजेशन दीजिए, हमारे अपने प्यार को बरसाइए गाइस, आप सपोर्ट करो, क्योंकि देखने वाले जो लोग हैं वो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो है, यानी कि जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो भी देखिए गाइस, प्लीज़ प्यार बांटिए गाइस, प्यार बांटते चलिए प्यार। तो भाई कर्नल साहब ने हमको बोल दिया है कि हम आपको हथियार देंगे, लेकिन उससे पहले ये इसके अंदर आग जलाएंगे, और ये देखो आग जल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस आग का इस गाड़ी के ऊपर कोई असर हो रहा है। देख सकते हो गाड़ी एकदम साफ दिख रही है, केवल आग दिख रही है जो जल रही है, भाई कुछ ही फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, मुझे लग रहा है कर्नल साहब फेल हो गई आपकी आग, किसी काम की नहीं है, और मेरे पीछे पड़ गई है जहाँ भी जा रहा हूँ गाइस। भाई पता नहीं मतलब 15-15 मिनट के गैप के अंदर, कभी आधे घंटे के गैप के अंदर भाई इसको हो क्या जाता है, भाई रुकती नहीं है भाई, मतलब इसका पेट्रोल भी अगर निकाल दो ना, सच कह रहा हूँ ये मेरे पीछे पड़ जाती है।
तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज कर्नल साहब ने एक बात मुझे बोली थी कि भाई खीर मांगो, नहीं भाई क्या बोलते, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो भाई वही गाड़ी के लिए बोल रहा हूँ कि तू भाई पेट्रोल मांगेगी तो डीजल दूंगा, लेकिन मेरी जान मांगेगी तो मैं तुझे तेरी जान ले लूंगा। ठीक है ना, बढ़िया है ना भाई, शेयर कीजिएगा, ये जो है बढ़िया है। तो भाई फाइनली हमारा क्यों टाइम इस गाड़ी का आ चुका है जिसमें हम इसको मारने वाले। बस ये एक बार थोड़ी शांत हो जाए, रुक जाए, तो भाई हम आगे बढ़ सकते हैं, और वो टाइम इसका आ चुका है। अब जो इसकी हम वाट लगाएंगे और इसको तोड़ेंगे, पूरी पूरी तरीके से तोड़ेंगे। जितनी बार इसकी मैंने वाट लगाई है ना गाइस, उतनी बार ये अपने आप को ऑटो अपग्रेड कर रही है। अब देखो पहला कैसा कलर था, अपने आप को फौजी वाले कलर में, आर्मी वाले कलर में डाल दिया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आज इसके ऊपर हम सबसे पहले बरसाएंगे गोला, हाँ भाई तोप का गोला बरसाएंगे। उस तोप के गोले से इसका करेंगे सफाया, जितने भी गोले हैं इस बंदूक के अंदर सीधे जाएंगे इसके अंदर। भाई एक तो बच गया, दूसरी है ये फाइनली गाइस, इसका दरवाजा टूट गया, टेढ़ी हो गई है, लेकिन जितना हमारे पास गोले हैं इसके ऊपर बरसाएंगे और इसकी करेंगे खात्मा। खात्मा होगा आज इसका, होगा चकनाचूर कर दूंगा इसकी बॉडी, बोटी बोटी काट डालूंगा, बोटी बोटी। भाई इसकी कुछ नहीं हुआ एक बोटी से, अब हमारे पास मिसाइल है, मिसाइल। जितनी बार इसको मैं तोड़ रहा हूँ गाइस, उतनी बार ये अपने आप को ऑटो अपग्रेड कर रही है, मीन्स अपने आप ही अपग्रेड हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास हथियार इतने हैं कि भाई उससे हम इसको चकनाचूर कर देंगे। अभी तक लगता है कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, इसको लावा में डाल दिया, तोप के गोले में डाल, तोप के गोले भी छोड़ दिए, मिसाइल भी छोड़ दी, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। अब एक लास्ट जो है हमारे पास गाइस, एक ऑप्शन बचा है, क्योंकि भट्टी में भी डाल दी, उसके बाद भी अच्छी तरह से निकल गई। भाई देख रहे हो कितना कलर भी चेंज कर रही है, भाई रूप भी चेंज कर रही है, कलर भी चेंज कर रही है, क्या है, क्रस्ट कार, किलर कार, कोई बात नहीं। लेकिन अभी भी हमारे पास टाइम है, एक लास्ट जो है हमारे पास चांस है, वो है ये क्या बोलते हैं इसको, टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब है, जितने भी हैं मेरे पास 25 हैं, 25 के 25 में इस गाड़ी के ऊपर, टायर के ऊपर, कांच के ऊपर, छत के ऊपर, बोनट के ऊपर, इंजन के ऊपर, जहाँ भी मुझे जगह दिख रही है ना, मैं सब के ऊपर आज इसको लगाकर देखना, ऐसा करूँगा इसका सफाया कि भाई इससे हो जाएगा अपना काम तमाम। अपना तो नहीं, इसका ही काम तमाम होगा और अपन को मिलेगा इससे छुटकारा। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है कि हम इससे दूर भागेंगे, ये हमसे दूर भागेगी और हम बच के निकलेंगे। तो फाइनली गाइस तैयार हो जाओ, पार्टी है, पार्टी तो बनती है, क्योंकि इस गाड़ी का आज अंतिम दिन है। फिर अखबार में आएगा, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हाँ भाई फ्रैंक की जो कष्ट कार चली थी वो चली गई है, ती एक बैठक पर सबको बुलाएंगे। लेकिन नहीं, गलत बात है ये बोलना। उससे पहले कि हम यहाँ पर खड़े होते हैं इसको उड़ाने से पहले, अब देखो गाइस, अब इसके दिखाएंगे, ये वाली बंदूक नहीं, ये वाली, ये वाले भी नहीं, ये वाले भी नहीं, ये वाली। ये हमने बटन दबाया रिमोट का और भाई गाइस क्या ऊपर गई है गाड़ी, भाई गाड़ी ऊपर गई, सीधी की दिख नहीं रही। ओ भाई आ गई, आ गई गाड़ी, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। तो फाइनली गाइस हमने गाड़ी को ख़त्म कर दिया है, अब ये हमको परेशान नहीं करेगी ऐसा मुझे लगता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। भाई जय हिंद, वंदे मातरम, मेरा भारत महान हो, तब आप ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बस अपनों को प्यार करो, सबको प्यार करो, बच्चों को प्यार करो, पड़ोसी को प्यार करो, जब तक हम इस क्या नाम है इसका, एयरवे जेट जो भी है भाई आर्मी वालों का, उनको प्यार देते हैं, इसको उड़ा के देखते हैं कैसा उड़ता है। तब तक आप हमारे चैनल पे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको तोड़ दो, फोड़ दो, और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और बताओ वीडियो कैसा लगा गाइस। आप जब तक कमेंट करके अपनी सजेस्ट करोगे, हमको बताओगे नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो गाइस प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, निवेदन, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी आपको। भाई हमारा तो टाटा फिश हो गया यहाँ पर ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।